इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपडेट जो है अभी आपको प्रकाशन लाइव सजा कर रहा है, वही आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में वाहनों की लगातार चोरी मामले को लेकर रोकथाम में पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 अपराधियों को रंगे हाथ स्कॉर्पियो चुराते पकड़ा है, जिसके पास से हथियार भी बरामद हुई है, जिसके पास से पुलिस ने कई चीज़ें भी बरामद की है, जिसकी पुष्टि सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल तरीके से यह लोग अनलॉक करके गाड़ियां चोरी करते थे। पूछताछ में इन्होंने गाड़ियों की नेपाल बेचे जाने की बात बताई है। यह सब अलग अलग जिलों के अपराधी हैं, इन पर पहले से भी कई मामले दर्ज है, चोरी और हत्या के मामले भी दर्ज है। वही आपको बता दें कि यह बिहार में अंतर जिला गिरोह है जो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया है और तस्वीरें जो है अभी आपको सजा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, अभी वाहन चोरी जो घटनाएं हैं उनके खिलाफ जो मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है उसके संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कल दिनांक 12/8/23 की रात्रि में सदर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में और अहियापुर की टीम के सहयोग से ऐसी जगहों पर हम लोगों की रात्रि गश्ती होती है, उसमें 4 अपराध कर्मियों को स्कॉर्पियो गाड़ी, इसका निबंधन संख्या हम प्रेस विज्ञप्ति में आपको दे रहे हैं, एक स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी करने के प्रयास में इन लोगों को पकड़ा गया। 2 लोग गाड़ी को चुराने का प्रयास कर रहे थे और 2 लोग उसके पीछे ऑल्टो गाड़ी में सवार थे, उस ऑल्टो गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। 4 अपराध कर्मी हैं इसमें, आरव जो काजी मोहम्मदपुर थाना के रहने वाले हैं, अशोक कुमार जो विभूतिपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं, विक्की कुमार ये भी काजी मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं, और आजाद कुमार ये विभूतिपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन 4 अपराधियों को 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 अल्टो कार, 1 टैप, मोबाइल और जो भी इनके टूल बॉक्स है उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। जो टैप यहाँ पर लिया गया है ये इन्होंने ऑनलाइन परचेज कभी किया होगा, आमतौर पे इस तरह के टैप से पुरानी जो स्कॉर्पियो हैं उन लोगों के लॉक को डिसेबल किया जा सकता है, और इसमें ये रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर भी रखते हैं जिससे इनके गैंग में जो साथी यहाँ पर ना हो वो भी इनको डायरेक्शन दे सके। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि सदर थाना की और अहियापुर थाना की रही है। इसमें जो अपराधी पकड़े गए हैं इसमें से काजी मोहम्मदपुर थाना के जो विक्की कुमार हैं, इनका आपराधिक इतिहास वाहन चोरी से संबंधित रहा है और पहले भी ट्रक चोरी के कांडों में ये जेल गए हैं। अभी तक रून्नी सैदपुर का एक हम लोग को इतिहास मिला है, बाकी जो जानकारी इन्होंने दी है उसके आधार पर हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। अशोक कुमार जो पकड़े गए हैं ये बरियारपुर से भी चोरी के कांड में पहले जेल गए हैं, लेकिन विभूतिपुर थाना से ये हत्या के कांड में जेल गए हुए थे और कुछ माह पूर्व ही ये जमानत पर बाहर आए हुए हैं। वो विभूतिपुर कांड संख्या 217 है, जो 302, 120 बी और 34 इन धाराओं के अंतर्गत ये कांड दर्ज हुआ था। तो अभी तक जो हम लोगों की उपलब्धि रही है इसमें ये 4 अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं और जो सामान बरामद किया गया है और उसकी सूची आप सभी लोगों के साथ साझा की जा रही है। थानाध्यक्ष सदर हम लोगों के साथ हैं, इसके अलावा थानाध्यक्ष अहियापुर, DIU की जो हम लोगों की टीम है, और सदर से ललन कुमार, राहुल कुमार, दीपक कुमार और संजीत, ये 4 सब इंस्पेक्टर्स की टीम ने इस कांड को और इन लोगों को पकड़कर संभवतः जो है एक बड़ी घटना होने से रोकने की कोशिश की है। पिछले 4 महीनों में सदर थाना अंतर्गत विशेष तौर पर हाईवे में स्कॉर्पियो गाड़ी जो चोरी हुई है उसके संबंध में भी इन लोगों ने स्वीकार किया है कि कुछ गाड़ियां चुराकर इन्होंने नेपाल में बेची है। इनके इस बयान का और इनके यहाँ पर आवागमन का टेक्निकल जो एविडेंस है वो हम लोग कलेक्ट करेंगे और इन्होंने जो बातें कही हैं उसका सत्यापन करेंगे, ताकि जो और गाड़ियां चोरी हुई हैं उनकी भी बरामदगी की दिशा में हम लोग सफलता हम लोगों को मिल सके। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।